नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। 75 साल पुरानी विप्रो इंडिया की एक बेहतरीन कंपनी है, जिसे दुनिया की सबसे एथिकल कंपनी के टाइटल से नवाजा गया है। इसी के साथ उसके फॉर्मर चेयरमैन अजीम हाशिम प्रेम जी एक लाजवाब इंसान है, जिन्हें जार ऑफ इंडियन आईटी इंडस्ट्री कहा जाता है, और उन्हें भारत का सबसे बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट कहें तो ये भी उनके लिए सही टाइटल होगा। लीग से हटकर कंपनी और लीग से हटकर उस कंपनी को इतना बड़े बनाने वाले उसके चेयरमैन। आज के वीडियो में ऑथर संदीप खन्ना और वरुण सूद की बेहतरीन किताब से जानेंगे विप्रो और अजीम प्रेम जी की शुरुआती कहानी। तो आइए शुरू करते हैं ये बेहतरीन कहानी हमारे कहानियों के चैनल स्टोरी राइट्स पे। ईयर 1945, द बिगनिंग। मोहम्मद हुसैन हाशिम प्रेम जी, जो आजादी से पहले बॉम्बे में मेजरली राइस ट्रेडिंग का बिजनेस करते थे, बर्मा से बहुत ही सक्सेसफुल राइस ट्रेडिंग का बिजनेस एस्टेब्लिश करने के कारण उन्हें राइस किंग ऑफ बर्मा के टाइटल से भी नवाजा गया। ब्रिटिशर्स के द्वारा प्राइवेट फर्म्स पे राइस ट्रेडिंग पे रोक लगाने के बाद उन्हें अल्टरनेट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचना पड़ा। यही वो समय था जब हाशिम प्रेम जी बॉम्बे से करीबन 10 घंटे दूर एक सिटी अमलनेर पहुंचे। यही वो जगह थी जहां से आज की सक्सेसफुल कंपनी विप्रो की शुरुआत हुई। हाशिम प्रेम जी जब अल्टरनेट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ रहे थे, तब उन्होंने छोटे छोटे बिजनेस को पैसा लोन देना भी शुरू किया था। इसी सिलसिले में वो अमलनेर पहुंचे थे। उन्होंने एक वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसिंग मिल के मालिक को कुछ पैसे उधार दिए थे, जो वो चुका नहीं रहा था। जब हाशिम प्रेम जी उससे पर्सनली मिले तो उसने कहा कि वो इस हालत में नहीं है कि वो उनके पैसे चुका सके। उस समय मिल के मालिक ने हाशिम प्रेम जी को एक प्रपोजल दिया कि वो उनकी वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसिंग मिल को खरीद ले। हाशिम प्रेम जी, जो ऑलरेडी अल्टरनेट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे थे, उन्हें ये प्रपोजल अच्छा लगा और उन्होंने वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। वो राइस ट्रेडिंग के बिजनेस में अपार सफलता पा चुके थे और अब समय था वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूस और ट्रेड करने का। उस समय इंडिया में बहुत कम वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूस करने वाली कंपनीज थी और हाशिम प्रेम जी का सोचना था कि वो इस बिजनेस को एस्टेब्लिश करके इसमें भी अपार सफलता पा सकते हैं। ईयर 1946 टू 1974, फोकस ऑन वेजिटेबल ऑयल एंड एंट्री ऑफ अजीम प्रेम जी। वेजिटेबल ऑयल मिल को खरीदने के बाद हाशिम प्रेम जी ने साल 1946 में वेस्टर्न इंडिया वेजिटेबल प्रोडक्ट्स लिमिटेड नाम से कंपनी रजिस्टर की, वनस्पति प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। कंपनी की परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट नहीं थी। पहले 20 साल कंपनी ज्यादातर नुकसान और कुछ साल प्रॉफिट में रही। साल 1966 वो अनफॉर्चुनेट साल था जब हाशिम प्रेम जी का दिल का दौरा पड़ने के कारण मौत हो गई। इसी फेटफुल दिन को हाशिम प्रेम जी की पत्नी और अजीम प्रेम जी की मां ने अजीम प्रेम जी, जो स्टैनफोर्ड से अपनी ग्रेजुएशन कर रहे थे, उन्हें इमीडिएटली इंडिया आने के लिए कहा। अजीम प्रेम जी जब इंडिया लौटे तो अपने पिता के ना होने के दुख के साथ साथ उन्हें अपने पिता द्वारा एस्टेब्लिश किए हुए बिजनेस को भी संभालना था। उनके भाई शादी के बाद पाकिस्तान शिफ्ट हो गए थे और अब सारी जिम्मेवारी अजीम प्रेम जी के कंधे पर ही थी और उनके स्वर्गीय पिता भी यही चाहते थे। हालांकि जब अजीम प्रेम जी विदेश से भारत लौट रहे थे तो उन्होंने ऐसा नहीं सोचा था। वो तो सिर्फ कुछ सामान लेकर आए थे, इसी सोच के साथ कि वो वापस जाकर अपनी पढ़ाई खत्म करेंगे, पर सरकमस्टांसेस कुछ ऐसे बन गए कि वो वापस नहीं जा पाए। साल 1968 में वेस्टर्न इंडिया वेजिटेबल प्रोडक्ट्स लिमिटेड की बोर्ड मीटिंग हुई, जिस बोर्ड मीटिंग का ऑब्जेक्टिव था नया मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट करना। हालांकि 23 साल के अजीम प्रेम जी को नया मैनेजिंग डायरेक्टर चुन लिया गया, पर ड्रामा भी बहुत हुआ, जिसमें कुछ बोर्ड मेंबर्स का ये मानना था कि अगर ये नौसिखिया कंपनी चलाएगा तो इस कंपनी का कुछ नहीं होने वाला। इस सिनेरियो को देखते हुए मैनेजिंग डायरेक्टर बनने के बाद जो सबसे पहला काम अजीम प्रेम जी ने किया वो था कंपनी में अपना टोटल कंट्रोल करने के लिए ओनरशिप स्टेक को बढ़ाया गया। कोई भी बिजनेस एक्सपीरियंस ना होते हुए और कॉलेज से भी ड्रॉप आउट होने के बावजूद उन्हें अपने आप पे इतना भरोसा था कि वो कंपनी को पूरा कंट्रोल लेने के बाद उसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में स्टीयर कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने रेगुलरली फैक्ट्री विजिट करना शुरू किया, जिसमें वो ये एनालाइज कर सके कि कैसे बिजनेस में इम्प्रूवमेंट्स लाई जा सकती हैं। कुछ समय फैक्ट्री जाने के बाद और इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और फैक्टर्स को एनालाइज करने के बाद उन्हें ये लगा कि समय आ गया है कि वो वेजिटेबल ऑयल, जिसे कंपनी सनफ्लावर और भी दूसरे नामों से मार्केट करती थी, कि बिजनेस के अलावा दूसरे बिजनेस में डाइवर्सिफाई करे। वेजिटेबल ऑयल लाइन में उनकी कंपनी का फ्यूचर अब ब्राइट नहीं है। हालांकि ये कहना आसान था, करना उतना ही मुश्किल। वो बिजनेस टीम जो 2 दशकों से उनका मेन बिजनेस और रेवेन्यू का सोर्स था, उसे छोड़ना और दूसरे बिजनेस में डाइवर्सिफाई करना उनके ओवरऑल बिजनेस के लिए बहुत रिस्की हो सकता था।
पर अजीम प्रेमजी कंपनी को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाने के लिए और क्वांटम ग्रोथ दिलवाने के लिए वो रिस्क लेने के लिए तैयार थे। ईयर 1975 ऑनवर्ड्स फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल टू बिकमिंग एन आईटी मेजर, अजीम प्रेमजी ने सबसे पहले अपनी कंपनी को डाइवर्सिफाई किया कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के लिए कंपोनेंट बनाने की मैन्युफैक्चरिंग शुरू करके। वेस्टर्न इंडिया वेजिटेबल प्रोडक्ट लिमिटेड के अंडर ही साल 1976 में विंट्रोल इंजीनियरिंग डिवीजन की शुरुआत की गई। दोस्तों, अजीम प्रेमजी का वेजिटेबल ऑयल को छोड़कर दूसरे बिजनेस शुरू करने और सबसे पहले एक इंजीनियरिंग कंपनी बनाने का विजन कितना सही था वो आप ये बात जानकर जान सकते हैं कि उस समय शुरू की गई विंट्रोल इंजीनियरिंग डिवीजन आज विप्रो इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग कंपनी बन गई है और आज $500 मिलियन की वैल्यू रखती है। इस डाइवर्सिफिकेशन के बाद अजीम प्रेमजी ने स्कूटर मैन्युफैक्चर करने के प्रोजेक्ट को भी बहुत सीरियसली कंसीडर किया और बहुत सा काम डिटेल में किया गया, पर फाइनली स्कूटर प्रोजेक्ट की शुरुआत नहीं की गई और प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि उस बिजनेस में बहुत कैपिटल की जरूरत थी। और उसी समय अजीम प्रेमजी के सामने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी खड़ी थी जो उनके भारत के सबसे बड़े बिजनेस एम्पायर बनने की नींव रखेगी। अजीम प्रेमजी की कंपनी जो काफी समय से कंप्यूटर्स और रिलेटेड बिजनेस में एंट्री करने की प्लानिंग कर रही थी, साल 1979 में उन्हें रिक्वायर्ड लाइसेंस मिल गया और साल 1982 में वेस्टर्न इंडिया वेजिटेबल प्रोडक्ट लिमिटेड, जो कंपनी का नाम अजीम प्रेमजी को उनके पिता से विरासत में मिला था, उसको विप्रो में चेंज कर दिया गया। कंप्यूटर आईटी प्रोडक्ट्स का बिजनेस स्टार्ट किया गया। यही इंटेंटिटी आगे चलकर विप्रो बिजनेस एम्पायर का सबसे बड़ा और इन्फ्लुएंशियल सेगमेंट बनेगा, जो बीपीओ सेगमेंट से शुरुआत करके देश विदेश में आईटी और सॉफ्टवेयर एरियाज में विप्रो को बहुत स्ट्रांगली एस्टेब्लिश करेगा। अजीम प्रेमजी के कंप्यूटर और आईटी सेगमेंट में डाइवर्सिफाई करने के सपने को भी उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर पूरा किया। साल 1986 में कंज्यूमर सेगमेंट में संतूर सोप ब्रांड लॉन्च किया गया, जो कि बहुत सक्सेसफुल लॉन्च था और पहली इंडियन सोप ब्रांड बना जिसने 2000 करोड़ की सेल्स फिगर क्रॉस की। कंज्यूमर सेगमेंट में इस सक्सेसफुल एंट्री के बाद बेबी केयर प्रोडक्ट्स में एंट्री की गई और उसके बाद साल 1991 में लाइटिंग बिजनेस में विप्रो ग्रुप को डाइवर्सिफाई किया गया। वेजिटेबल ऑयल से जिस कंपनी की शुरुआत हुई थी, अजीम प्रेमजी के लीडरशिप में उस ग्रुप को इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, आईटी, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, लाइटिंग बिजनेस जैसे डाइवर्स एरिया में डाइवर्सिफाई किया गया और आज विप्रो ग्रुप मल्टीपल बिजनेस वर्टिकल्स के साथ करीबन 64,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करने वाला ग्रुप है। सिर्फ वेजिटेबल ऑयल के कुछ लाखों की सेल के बिजनेस को अजीम प्रेमजी ने 64,000 करोड़ के बिजनेस एम्पायर में जो कन्वर्ट किया, उनके जीवन के इस सफर से कुछ बहुत इंस्पायरिंग सीख हम ले सकते हैं। पहला, बिलीव इन योरसेल्फ। आपको अपने आप पे और अपने प्लान्स में विश्वास होना बहुत जरूरी है, फिर चाहे लोग कुछ भी कहें। जब उन्होंने अपने पिता की मौत के बाद 23 साल की उम्र में मैनेजिंग डायरेक्टर की कुर्सी संभाली तो लोगों ने बहुत बातें की, ये नौसिखिया कैसे कंपनी संभालेगा। वो अजीम प्रेमजी का खुद पे अपने प्लान्स पे विश्वास ही था जिसकी वजह से उन्होंने इतना लंबा सक्सेसफुल सफर तय किया। दूसरा, लीविंग कम्फर्ट जोन, फिर वो चाहे रिस्की ही क्यों ना लग रहा हो, बहुत जरूरी है। करीबन 20 से 50 सालों से चल रहे वेजिटेबल ऑयल के बिजनेस को पीछे छोड़कर इंजीनियरिंग, आईटी, कंज्यूमर केयर, लाइटिंग सेगमेंट में आने का डिसीजन लेना हाईएस्ट लेवल ऑफ रिस्क कैटेगरी में आता है। कम ही बिजनेस ग्रुप होते हैं जो इतना ब्रॉड डाइवर्सिफाई करके भी सफलता पाते हैं और उसे बना के रखते हैं। तो कैसे रिस्क लेना है और उसे कैसे अच्छे से मैनेज करना है, अजीम प्रेमजी की लाइफ से बहुत बढ़िया से सीखने को मिलता है। तीसरा, जमीन से जुड़े रहना, स्टेइंग ग्राउंडेड। $1 बिलियन बिजनेस एम्पायर का मालिक होने के बावजूद अजीम प्रेमजी का लाइफस्टाइल एक साधारण लाइफस्टाइल है। साधारण खाना खाना, साधारण गाड़ी में ट्रेवल करना, पूरी तरह से एक साधारण जीवन जीना, कोई भी शोशेबाजी नहीं। इसके अलावा भी अजीम प्रेमजी और उनके विप्रो के एम्पायर बनाने की कहानी से बहुत सी लर्निंग मिलती है। उनकी कहानी डिटेल में जानने के लिए बुक जरूर पढ़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आज ही खरीदें। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए सक्सेसफुल इंडियन बिजनेसेस के नाम जिनकी शुरुआती कहानी आप स्टोरीरेट चैनल पे देखना चाहते हैं। शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और सबसे बड़ी बात, अगर आप वीडियो देख रहे हैं पर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बटन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए स्टोरीरेट चैनल के फेसबुक पेज को लाइक और इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। जल्दी ही फिर लौटूंगा एक और अमेजिंग कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।